अशोकनगर में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 150 क्विंटल सरकारी अनाज से भरा ट्रक जब्त किया है। बता दें कि तुमेन सरकारी सेवा समिति से निजी गोदाम में भंडारण करने अनाज लाया गया था। मुखबिर की सूचना पर एसडीएम ने अमले के साथ पहुंचकर बड़ी कार्यवाही की है। जब्ती बनाकर अनाज से भरा ट्रक को कोतवाली भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। कि रात को 9:30 बजे जानकारी मिली थी कि 4 ट्रैक्टर जो अपना गोदाम वाला माल है राशन की दुकान से उठा के गोदाम में शिफ्ट करने वाले हैं। तो मैंने रात को काफ़ी पता किया तो उस समय माल नहीं भराया गया। तो फिर रात को मेरे पास 8 में फ़ोन आया था कि ट्रैक्टर की जगह ट्रक भरे जा रहे हैं। तो आज सुबह फिर मैंने पता किया तो एक ट्रक भरा हुआ पाया गया जिसमें लगभग 100 क्विंटल से 150 क्विंटल अनाज उसमें मुझे मिला है। अब मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। मेरी पूरी राजस्व की टीम भी यहाँ पे, पुलिस विभाग भी साथ में है। जब मैंने ड्राइवर से पूछा और जो संबंधित व्यक्ति था जिसने अनाज लोड किया था उससे पूछा तो वो हमें बताते हैं कि हम जलालपुर और घरौली से माल भर के लाए हैं और गोडाउन में शिफ्ट कर रहे हैं जो कि रिजेक्टेड माल है। किंतु जानकारी ऐसी भी मिली कि जलालपुर, चूँकि मैं नया हूँ तो जलालपुर घरौली में इस प्रकार कोई सरकारी संस्था है नहीं वहाँ पर। तो जो गुप्त सूत्रों से पता चला है वो ये है कि ये माल तुमेन सरकारी दुकान का है जो तमोइया करके एक गांव है वहाँ से माल उठाया गया है रात को और आज यहाँ पे लाके खड़ा किया गया और आज ये गोदाम में शिफ्ट करने वाले थे। तो ये जानकारी है मेरे पास। चूँकि इसको अभी मुझे जांच के दायरे में रखा है इसको, तो मैं इसको जांच करवाता हूँ पहले, उसके बाद ही बता पाऊँगा कि क्या आगे प्रोसेसिंग करनी है। अभी मैंने ट्रक को जब्त कर लिया है, जब्ती बना के थाने में खड़ा करवा दिया है और अब हम कार्रवाई कर रहे हैं इसके। सर, सोसाइटी संचालक का कोई नाम सामने आया है? अभी कुछ भी नहीं आया क्योंकि अभी 10 मिनट हुआ है कार्रवाई करते हैं, आप लोग यहाँ पे पहुँच ही गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी उस दुकान को हम सील करवा देते हैं, उसके जो भी पंजी वगैरह हैं वो सब हम जब्त कर लेंगे और कितना स्टॉक है उसका, कितना उसने बेचा खरीदा और कहाँ शिफ्ट किया है वो सब हम जानकारी ले लेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को बता पाएंगे। अभी जांच के दायरे में पूरी। किस जगह से पकड़ा गया सर ये? अभी तो ये रघुवंशी धर्मशाला के सामने खड़ा हुआ था ट्रक, क्योंकि ये लाया गया है तुमोइया से। तो देखते हैं क्या जांच होती है। पोस्टर न्यूज के लिए अशोकनगर से भारतेंदु सिंह बेस की रिपोर्ट।